आज की रात बड़ी यादगार रात है माही। इसे तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। आओ ना। क्या सोच रही हो माही? जब तुम्हें मेरी असलियत पता चल ही चुकी है तो फिर हम दोनों में ये दूरी किस लिए? डरो मत माही, डरो मत। किससे डर रही हो? मुझसे, अंगद से, जो तुम्हारा सबसे बड़ा चाहने वाला है, उससे डर रही हो? ये देखो माही, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए अरेंज किया है। ये कैंडल्स, ये गिफ्ट्स, ये वाइन, ये फ्लावर, सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए माही। ये रात कितनी खूबसूरत है ना माही। इस रात का मैं कब से सपना देख रहा हूं माही, कि जब तुम होगी, मैं होऊंगा और मेरा ये सपना आज सच हो जाएगा माही। आज हमें डिस्टर्ब करने कोई नहीं है माही। देखो तुम राहुल की फिक्र मत करो, वो तो छोटा बच्चा है, वो हमारे रंग में भंग डालने की हिम्मत तक नहीं करेगा। और जहां तक शब्द की बात है, वो तो बिजी है अपने ऑफिस के काम में। और बाकी सब उनको मैंने फोन करके कह दिया है कि इतनी देर रात गए, इतना लंबा ट्रैवल करके यहाँ पे आने की तकलीफ ना करें, और उन लोग मेरी बात मान भी गए। सो यू सी माही, आज हमें डिस्टर्ब करने कोई नहीं आएगा। कम ऑन माही, अब वक्त बर्बाद मत करो। ये हमारी चाहतों वाली रात है माही, इसका एक एक पल बहुत कीमती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पल के लिए मैं सदियों से इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारी और मेरी जिंदगी में रात आए, इसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। न जाने कितने अच्छे बुरे प्लान्स बनाए, कितने इंसल्ट्स बर्दाश्त की मैंने, लेकिन तुम्हें कभी चाहना नहीं छोड़ा। इस घर से बार बार जलील होकर निकला, लेकिन हर बार लौट आया, सिर्फ ये जताने की कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं माही। माही, मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूं, एक प्रेमी की तरह माही। अंगद, मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत कर, वरना क्या माही? मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए कि तुम जैसा इंसान कभी सुधर नहीं सकता। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम आज भी वही हो जो पहले थे। थैंक्स माही, थैंक्स फॉर ऑल द प्रेजेस। मुझे इस बात की खुशी है माही कि तुम मुझे इतनी अच्छी तरह समझती हो, और समझोगी क्यों नहीं, आखिर हो तो तुम मेरी सोलमेट, आत्मा का रिश्ता एंड ऑल दैट, यू नो। इसीलिए तो मैं तुम पर इतना मरता हूं माही। इसीलिए तो इस रात का मुझे इतनी बेसब्री से इंतजार था। एक बार माही, सिर्फ एक बार मेरी बन जाओ, उसके बाद मेरे अलावा तुम्हें किसी की याद तक नहीं आएगी, ना तुम्हारे उस हस्बैंड की, और ना उस वफादारी की जो तुम उसके लिए दिखाती हो। और माही, वैसे भी एक तरफा वफादारी का फायदा ही क्या है? तुम्हारा वो सो कॉल्ड हस्बैंड तुम्हें इसके बदले में देता ही क्या है? अब आज की बात ही देख लो ना, तुमने उसे फोन किया ना, तुमने उसे कहा ना कि तुम्हें उसकी जरूरत है, वो घर वापस आ जाए। क्या हुआ, आया वो? नहीं ना माही, यू डोंट डिजर्व दिस, यू डिजर्व मच मोर देन दिस। तुम इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती हो जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं दे सकता हूं, शब्द नहीं। मेरी बात मानो माही, तो शब्द को छोड़ दो, भूल जाओ उसे, तुम्हारे लायक नहीं है माही। जब मेरे लायक नहीं तो क्या तुम मेरे लायक हो अंगद? अपनी गंदी जुबान से मेरे पति का नाम तक मत लेना। तुम मेरे पति के नफरत में भी मेरे लिए प्यार है, मेरी परवाह है। गलती तो हम सब से हुई, जो हमने तुम पर भरोसा, हम सब ने, लेकिन तुम इसमें से किसी के लायक नहीं। इस बार तुम बचकर नहीं जाओगे। मैं इस बार भी बच जाऊंगा माही। बस तुम्हें मैं बता दूं माही कि मेरी सच्चाई की तह तक पहुंचने वाली तुम पहली लड़की नहीं हो। तुमसे पहले भी कई मेरी सच्चाई तक पहुंच चुके हैं और वहां से सीधे वहां पहुंच गए, क्योंकि वो लोग जान चुके थे कि मैं तुम्हें हासिल करने के लिए क्या क्या कर सकता हूं माही। और मैंने वो किया, पहले गौरी के साथ और उसके बाद सपना के साथ। तुमने उन्हें मार दिया। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर माही। प्यार और जंग में सब जायज है। तुम्हारे लिए तो मैं पूरी दुनिया की जान ले सकता हूं, फिर वो दोनों जिद्दी बेवकूफ लड़कियां मेरे लिए क्या है माही? अंगद, हम दोनों तुम्हें अपना वेल विशर समझ रहे। हमारे बीच में दरार तुम डाल रहे थे, इसीलिए हमारे बीच की दूरियां कम होने की वजह बढ़ती जा रही। ये सब तुम कर रहे थे, ये सब कुछ तुमने किया। चलो, अब तुम्हें असली बात समझ में आई। लेकिन माही, तुम ये तो मानती हो ना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया। और आज मैं तुम्हें अपनी बनाकर रहूंगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी। आज ही वो रात है, वो पल है माही, जो हम दोनों के बीच की दूरियों को हमेशा के लिए मिटा देगा। मैं इन पलों के लिए कितना तड़पा हूं माही, इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकती। लेकिन बस अब और नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकती माही। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना, तुम पागल हो चुके हो, पागल। माही 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 माही, जो बात आराम से हो सकती है, प्यार से हो सकती है, उसे इतना मुश्किल मत बनाओ। मेरा हाथ छोड़ो। देखो माही, अगर मैं तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ सकता हूँ तो क्या तुम्हें मेरी इतनी सी भी कदर नहीं है माही? तुम जैसा पागल इंसान कदर की बात कैसे कर सकता है? दो मासूम लोगों का खून करने के बाद तुम चाहते हो कोई तुम्हारी कदर करे? अरे उस बच्चे को किस हाल में पहुंचा दिया तुम? मेरी वजह से भाई? कौन सा बच्चा? कहीं तुम राहुल की बात तो नहीं कर रही ना? अरे माही, वो सब तो एक झूठ था। राहुल सपना का बच्चा है ही नहीं। उसे तो मैं और सपना यहाँ पर लेकर आए थे ताकि हमारा प्लान कामयाब हो जाए। नहीं अंकल, तुम एक और झूठ बोल रहे हो। नहीं माही नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे राहुल शब्द का बच्चा कैसे हो सकता है जब वो सपना का बच्चा ही नहीं? और देखो, तुम्हें सपना पर रहम खाने की कोई जरूरत नहीं। उसे तो मैं यहाँ पर लाया था अपना मोहरा बनाकर। जब तक मेरा मोहरा बनी रही, जिंदा रही। उसे तो तब मरना पड़ा जब मेरा मोहरा होने के बावजूद उसने मेरे खिलाफ जाने की जुर्रत की। उसका वो क्या कहते हैं, हृदय परिवर्तन हो गया था ना, तो मारना पड़ा माही, मजबूरी थी। किसी की जान ले लेना, तुम जैसे पागल बेरहम की मजबूरी हो सकती। अभी जाकर मैं शक और पुलिस सबको तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी। तुम देखना माही, फोन करने जा रही हो, सबको फोन करना, किसी को मत छोड़ना, सबको फोन करना, ओके? अब क्या करोगे स्वीटहार्ट? अब क्या करोगे माही? माही! राहुल! कहीं उस पागल ने राहुल को तो नहीं। राहुल! छोड़ो मुझे जाने दो। अंगद छोड़ो, अंगद। अंगद जाने दो मुझे अंगद। हाँ। Mahi, it looks okay. Get it cleared from accounts. Okay, right now. Excuse me, sir. हाँ. ये combination ठीक है? It's not working for me. Get me something else, ना? Okay, sir. अच्छा शब्द, अच्छा शूट के लिए क्या 3 कैमरास ओके रहेंगे? हमारे पास 4 कैमरास पड़े हैं ना, चारों ले लो. I don't want any problem. Okay, okay. Yeah, yeah. It's done. स्टैनली की फाइल कहाँ गई? घर पे तो नहीं भूल गया? आन्या, आज जरा घर पे फोन करो और माही से पूछो ना कि मैंने स्टैनली की फाइल वहाँ पर छोड़ी है क्या? Yes sir. Thanks. विनी, please connect me to London. Okay sir. आन्या, कम ऑन, एक फोन के लिए इतना वक्त क्यों लग रहा है? सर एक्चुअली मैं बहुत देर से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन माही मैम का फोन ऑफ है। तो लैंडलाइन पे फोन करो ना। सर मैं आपके घर के सारे लैंडलाइन ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन कोई भी फोन लग नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, तुम रहने दो, मैं फोन करता हूँ। आप जिस फोन नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। मेरा काम्या को फोन। हेलो हेलो काम्या, काम्या माही का फोन क्यों नहीं लग रहा है यार? मुझे क्या पता भाई, मैं घर पे थोड़ी हूँ। अरे तुम घर पे नहीं हो, लेकिन तुम लोग आज रात को आने वाले थे ना, क्या हुआ? हाँ भाई, लेकिन यहाँ पर ही इतना लेट हो गया तो अंगद ने कहा कि इतनी दूर से इतनी लेट ड्राइविंग करके आने, उसका रिस्क क्यों लेना, तो यहाँ पर ही रुक जाओ। तो हम यहाँ पे ही रुक गए। क्यों? नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, बाद में बात करते हैं, बाय। जब मैं घर पर अकेली हूँ मैं क्या करूँगी यहाँ पर? जब मुझे प्लीज अकेला मत छोड़। माही अकेले है, अंगद के साथ। माही, मुझे पता है तुम यहीं हो, क्यों अपने आप को थका रही हो यार? अभी चुपचाप एक अच्छी बच्ची की तरह बाहर आ जाओ। चलो, अगर तुम मेरे 3 गिनने तक बाहर नहीं आई ना तो राहुल का जो हश्र होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी। ओके? ठीक है माही, तो मैं गिनना शुरू करता हूं। याद रखना ये कोई मजाक नहीं है माही। अब इस बच्चे की जिंदगी तुम्हारे इस डिसीजन पर डिपेंड करती है माही। हाँ, या तो मुझे तुम्हारा प्यार मिलेगा या फिर ये बच्चा गौरी और सपना की तरह अपनी जान से जाएगा। एक, दो, तीन। अंगद!